जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि काफी सारे बबुआ कमेंट कर रहे हैं कि सर रात को हमारी आइसक्रीम पिघल रही है, है ना। देखो शर्म भी देखो, इन बच्चों की हंसी देखो, इसकी देखो हंसी। देखो दो बात होती है, कमांडो बनोगे, कमांडो बनने के लिए रात को अपनी आइसक्रीम को बचा के रखो, है ना। दो चीज देखो, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, दो चीज, दो टॉपिक से रिलेटेड होने वाला, हस्त मैथुन और नाइटफॉल। हस्त मैथुन क्या है? जो अपनी स्वेच्छा से किया हुआ काम, जो मन के अंदर होता है ना, इच्छा हो जाती है ना आप लोगों की, उसे बोलते हैं हस्त मैथुन। नाइटफॉल जो अपने आप सपने में बह जाता है, निकल जाता है, दोनों के नुकसान है। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों से आपकी बॉडी के अंदर नुकसान होगा, कमजोरी आएगी। जब रात को, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज हस्त मैथुन पे बात नहीं कर रहे। हस्त मैथुन एक अलग टॉपिक है और नाइटफॉल एक अलग टॉपिक है। काफी सारे भाई बंधु हमारे कमेंट कर रहे हैं कि सर नाइटफॉल हो जाती है, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए। नाइटफॉल होने का क्या है रीजन? ये आपके मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, आप जो लोग सोचते हैं दिमाग के अंदर अलग अलग चीजें देखकर, क्योंकि आज का जो जमाना है, आपके सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल पे आप या तो क्या है यूट्यूब चलाते हैं, या फिर आजकल क्या है, यूट्यूब ऑटोमेटिकली आंखों के सामने डालना स्टार्ट कर दिया, परोसना स्टार्ट कर दिया, या फिर हम कोई ऐसा वीडियो देख लेते हैं जिसमें हमारे अंदर की भावनाएं, इमोशंस जगने लगते हैं। इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन अपने आप वो सपनों में, रंगीन सपनों के रूप में आता है और अपने नहीं चाहते हुए भी काम हो जाता है। नाइटफॉल एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर किस उम्र में होगी? 65 की उम्र में तो नाइटफॉल होगी नहीं, होगी क्या? तुम्हारी उम्र में ही होगी, ये इनकी उम्र में होगी। देखो ये हंस रहे ना, होती है क्या? देखो इतने सारे को होती है। हाँ, अगर होती है तो क्या करना है? पहली चीज, अगर आपको इस परेशानी से बचना है तो अपना एक मोटिवेशनल बनाइए। अगर ऐसा लगता है कि यार रात के टाइम पर ये चीजें हो रही है, तो कोई ऐसी स्टोरी, यार यूट्यूब पर काफी सारी चीजें हैं, कपिल सर के वीडियो है, मेरे वीडियोस के अलावा काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, या फिर ऐसी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो अंदर से एनर्जी आएगी आप लोगों को, ठीक है। या फिर कोई ऐसा कहानी या अपने ड्रीम को याद कर लो, उससे आपका दिमाग विचलित हो जाएगा, दूसरी ओर चला जाएगा। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, आप जैसा सोचेंगे, आपके मन के अंदर जैसे विचार लाएंगे, वैसा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर एनर्जी, आप चाहेंगे कि योद्धा बनना है, कमांडो बनना है, तो कैसे विचार आएंगे? और आप अगर सोचेंगे रंगीन सपने लाना है, तो कैसे विचार आएंगे? और वो रंगीन सपने आपको रात को मजबूर कर देंगे, आप नहीं चाहेंगे फिर भी मजबूर कर देंगे, और सुबह से जब उठ के देखेंगे देखते नहीं देखते, है ना। काफी सारे लोग तो, अरे, और सुबह फिर आएंगे ग्राउंड पर, अरे सर आज तो रनिंग नहीं हो रही है। अच्छा एक और चीज है, जिस बंदे का रात को आपने ऑब्जर्व किया होगा, नाइटफॉल हो जाता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, दर्द होना स्टार्ट होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, होता है नहीं होता है? ईमानदारी से बताना, होता है। तो अब उस कंडीशंस में क्या करना चाहिए आप लोगों को, अगर ऐसी ऐसे सिचुएशन आपके साथ हो जाती है? देखो मर्दे हम, अरे हो या नहीं हो? मर्दों के साथ में ये समस्या होगी, जनाना के साथ में नहीं होगी, है ना। तो घबराने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर हो जाता है तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को? मेडिटेशन, योगा, ध्यान लगाइए, कॉन्सेंट्रेट करिए अपने माइंड को। एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हैं, शाम के टाइम पर तला गला खाने से बचें, ज्यादा गर्म चीज का यूज नहीं करना है। अगर ज्यादा गर्म चीज का यूज करेंगे तो उससे भी बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो गर्मी के कारण भी नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा होता है, निरंतर होता है, तो आप
सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले ठंडे पानी से नहाकर या फिर हाथ मुंह धोकर अच्छे से जाएं, ठीक है। गर्म चीजों का सेवन करने से आपको बचना है और रंगीन सपने या फिर ऐसे वीडियोस, पोर्न वीडियोस खासकर जो है ना देखती है ना मूवियां, बस आनंद की अनुभूति है ना, तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में योद्धा बनना है, कमांडो बनना है, तो इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। अगर ये चीज आपके साथ निरंतर होती रही तो आगे जाकर बाप बनने में भी तकलीफ हो सकती है, आप लोगों को बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो सकती है। चाहते हैं क्या ऐसे? मर्द ही बनकर रहना चाहते हो ना? अपनी मर्दानगी दुनिया को दिखाना चाहते हो ना? चाहते हैं? देखो उसे दिखा भैया, देखो। तो कमांडो का जोश है तुम्हारे अंदर, कमांडो बनोगे? ये काम करना बंद कर दो तो, ठीक है। जय हिंद।